सनसनी ऑफ इंडिया। बॉलीवुड अभिनेत्री सोनम कपूर की ससुराल में हुई 2,41,00,000 के गहनों की ब्लाइंड चोरी के मामले को जहां स्थानीय पुलिस की लगभग एक दर्जन टीमें सुलझाने का प्रयास करती रहीं, वहीं क्राइम ब्रांच दक्षिणी रेंज आरकेपुरम की टीम ने मात्र एक फोन कॉल से ब्लाइंड चोरी के मामले को सुलझाते हुए 3 आरोपियों को दबोचने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपियों की पहचान पीड़िता के घर में नस का काम करने वाली 31 वर्षीय अपर्णा रूथ विल्सन, 31 वर्षीय उसका पति नरेश कुमार सागर और आरोपियों से चोरी की ज्वेलरी खरीदने वाला कालकाजी स्थित वर्मा ज्वेलर्स के मालिक 40 वर्षीय देव वर्मा के रूप में हुई है। आरोपियों से चोरी के 100 डायमंड, 6 सोने की चेन, डायमंड की चूड़ियां, 1 डायमंड का कंगन, 2 टॉप्स, 1 पीतल का सिक्का और चोरी के गहने बेचकर खरीदी 1/10 कार बरामद हुए हैं। क्राइम ब्रांच डीसीपी रोहित मीना ने बताया कि दिनांक 23 फरवरी 2022 को बॉलीवुड अभिनेत्री सोनम कपूर के ससुर हरीश आहूजा की तरफ से नितेश गेरा ने थाना तुगलक रोड में शिकायत दर्ज कराई कि हरीश आहूजा जी की मां के कमरे से करोड़ों के गहने और नकदी चोरी हो गई है। हरीश आहूजा जी की उम्र करीब 86 साल है और अस्वस्थ रहते हैं, जिस वजह से चोरी की शिकायत दर्ज कराने स्वयं नहीं आ सकते हैं। शिकायत के आधार पर एफआईआर संख्या 41/2022 धारा 381 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। स्थानीय पुलिस की लगभग एक दर्जन टीमें अपने स्तर पर चोरी के मामले को सुलझाने का प्रयास करने लगी, लेकिन हाई प्रोफाइल मामला बताते हुए इसे क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। जिम्मेदारी मिलते ही क्राइम ब्रांच डीसीपी रोहित मीणा ने एसीपी संतोष कुमार, क्राइम ब्रांच दक्षिणी रेंज की सुपरविजन में इंस्पेक्टर गगन भास्कर, इंस्पेक्टर नरेश सोलंकी व इंस्पेक्टर जयप्रकाश के नेतृत्व में एसआई कृष्ण कुमार, एसआई सम्राट खटियान, एसआई प्रमोद, हेड कांस्टेबल विनोद राजेंद्र, कांस्टेबल घनश्याम व सूर्य देव की एक टीम का गठन किया। ये 23 फरवरी को एक कंप्लेंट आई थी नितेश गेरा जो मैनेजर है फैमिली के लिए, तो कि 2,40,00,000 के यहाँ से करीब सामान चोरी था, ज्वेलरी और कैश। फिर इसमें आगे तफ्तीश की गई और जो भी इस घर में जो एंट्री एग्जिट कर रहे थे वगैरह, करीब 30-40 लोगों का इसमें हमने एनालिसिस किया जो उस घर में काम कर रहे थे। फिर उसके उनकी फैमिली मेम्बर्स और बाकी सब लोगों को भी एनालिसिस किया। काफ़ी टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद हमें 2 सस्पेक्ट पर हमारी टीम एक पहुँची, इन पर रेड की गई। तो सबसे पहले अपर्णा विल्सन को इसमें अरेस्ट किया गया और नरेश को अरेस्ट किया गया जो उनके हस्बैंड हैं। ये लेडी हैं जो नर्स का काम कर रही हैं। धीरे धीरे ये 2020 में जो विक्टिम है उनके टच में आई थी अपोलो हॉस्पिटल में, और उसके बाद ये उनके घर पे काम करती आ रही हैं और धीरे धीरे करके वहाँ से पिछले एक साल से लगभग वहाँ से सामान निकालते जा रही थी और इनके हस्बैंड उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे थे। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती चोरी की वारदात का सही समय और चोरी कितने दिन पहले हुई होगी उसके बारे में पता लगाना था। पीड़ित परिवार ने पूछताछ में बताया कि लास्ट टाइम लगभग एक साल पहले ज्वेलरी को चेक किया था, तब सब कुछ ठीक था, लेकिन इस बीच ज्वेलरी को इस्तेमाल नहीं किया। क्राइम ब्रांच दक्षिणी रेंज के तेज तरार एसीपी संतोष कुमार को पीड़ित परिवार की बातचीत से एक क्लू मिला कि ज्वेलरी की चोरी की वारदात को अंजाम एक साल के अंदर ही दिया गया है। एसीपी संतोष कुमार के आदेश पर जांच टीम ने लास्ट टाइम देखी गई ज्वेलरी के समय से पीड़ित परिवार के घर में काम करने वाले और काम छोड़ चुके 32 से अधिक कर्मचारियों, 6 नर्सों, रिश्तेदारों और पीड़ित परिवार से मिलने आने वाले व्यक्तियों को बारीकी से स्कैन किया और सभी के मोबाइल फोन सर्विलांस पर लगा दिए। कमरे में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला। इंस्पेक्टर गगन भास्कर की टीम ने एक एक करके सभी सस्पेक्ट कर्मचारियों, नर्सों व रिश्तेदारों को चोरी के मामले में पूछताछ के लिए कॉल की। टीम ने एक नज अपर्णा रूथ विल्सन को फोन किया कि उसे सोनम कपूर की ससुराल में हुई चोरी मामले में पूछताछ करनी है। पुलिस का फोन आते ही अपर्णा घबरा गई और उसने तुरंत अपने पति को फोन कर बताया कि उसके पास पुलिस का फोन आया है और वो पूछताछ के लिए बुला रहे हैं। इस पर उसके पति नरेश ने कहा था कि उसे ज्वेलरी चोरी करने के मामले में पुलिस को कुछ नहीं बताना है, चोरी करने की बात स्वीकार नहीं करनी है, क्योंकि क्राइम ब्रांच दक्षिणी रेंज ने अपर्णा के फोन को सर्विलांस पर ले रखा था और अतः उसकी व उसके पति की बात पुलिस ने सुन ली। इंस्पेक्टर गगन भास्कर ने तुरंत एसीपी संतोष कुमार के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की। ब्रांच दक्षिणी रेंज ने थाना तुगलक रोड पुलिस स्टाफ के साथ मिलकर सरिता विहार में छापेमारी की और नज अपर्णा रूथ विल्सन और उसके पति नरेश कुमार सागर उनके घर से दबोच लिया। आरोपी नज अपर्णा रूथ विल्सन और उसके पति नरेश कुमार सागर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी नरेश ने कबूल किया कि उसने चोरी के गहने 24 कैरेट गोल्ड कालकाजी और वर्मा ज्वेलर नामक दुकान पर बेचे थे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अगर अपर्णा मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करती तो शायद वो पकड़ी नहीं जाती। आरोपी नरेश ने कबूल किया कि उसने चोरी के गहने 24 कैरेट गोल्ड कालकाजी और वर्मा ज्वेलर्स कालकाजी की दुकान पर बेचे थे।
आरोपी नरेश के इशारा पर वर्मा ज्वेलर्स के मालिक देव वर्मा कालकाजी को पकड़कर पूछताछ की गई। देव वर्मा ने कबूल किया कि उसने नरेश से चोरी के गहने खरीदे थे और बदले में नकद और ऑनलाइन लेनदेन के माध्यम से भुगतान किया था। मामले में देव वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। वर्मा ज्वेलर्स के देव वर्मा के कहने पर कालकाजी स्थित उसकी दुकान से इस मामले से संबंधित सामग्री बरामद की गई। आरोपी अपर्णा और नरेश कुमार से पूछताछ की गई। अपर्णा ने खुलासा किया कि वो स्थायी रूप से लखनऊ के आलम बाग की रहने वाली हैं। वर्ष 2013 में उसने सीतापुर इलाहाबाद में एक नर्सिंग स्कूल से कोर्स किया और उसके बाद 2014 से 2015 तक उसने देहरादून के एक अस्पताल में नर्स के रूप में काम किया। वर्ष 2015 में वो नौकरी की तलाश में दिल्ली आई और उसने पश्चिम बिहार वैशाली और कौशाम्बी के अस्पतालों में नर्स के रूप में काम किया और वर्तमान में दिल्ली के एक अपोलो अस्पताल में काम कर रही थी। वर्ष 2017 में उसने अपने फेसबुक फ्रेंड नरेश कुमार सागर से शादी कर ली थी। बॉलीवुड अभिनेत्री सोनम कपूर की दादी सास सरला आहूजा की देखभाल के लिए 9 नज रखी हुई थी। अपर्णा शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक ड्यूटी करती थी। यहां पर नज बदल बदल कर ड्यूटी करती थी। अपर्णा अपोलो में अस्पताल में नज का काम करती थी। अपर्णा को मार्च 2021 में पीड़ित परिवार के पास ड्यूटी करने के लिए अपोलो अस्पताल की ओर से भेजा गया था। शुरू में सरला आहूजा ने अपर्णा से अलमारी खोलकर कुछ ज्वेलरी देने को कहा था। एक दिन अपर्णा सरला आहूजा को व्हीलचेयर पर अलमारी तक ले गई, जहां आरोपी नज ने देखा कि उस अलमारी में करोड़ों के गहने और नकदी पड़ी है। करोड़ों के गहने देखकर आरोपी नज के मन में लालच जाग गया। शुरू में वो एक एक करके ज्वेलरी चुराकर ले जाती रही। घर पर जब पति ने पूछा तो उसने बताया कि उसे मालकिन ने गिफ्ट दिया है। बाद में जब वो और ज्वेलरी को चुराकर ले जाती रही तो पति नरेश कुमार को सारी बात बता दी। इसके बाद नरेश कुमार चोरी की ज्वेलरी को ज्वेलर के पास ले जाकर बेचने लगा। पूछताछ में अपर्णा ने बताया कि वो नींद की गोलियां देकर उनके तकिए के नीचे रखी अलमारी की चाबी ले लेती थी और गहने चोरी करती थी। नस का कहना है कि उस पर 4 लाख रुपए का कर्जा था, इस कारण वह ज्वेलरी चुराने लगी। बाद में उसे ज्वेलरी चुराने की आदत पड़ गई। वो मार्च 21 से ज्वेलरी चुराने लगी थी और उसने अक्टूबर 21 तक ज्वेलरी चुराई थी। नज व उसके पति ने ज्वेलरी को बेचकर अपना 4 लाख रुपए का कर्ज उतारा, अपने माता पिता का इलाज करवाया और सेकंड हैंड आई 10 कार खरीदी थी। पीड़ित के घर से चुराया गया एक पीतल का सिक्का भी आरोपियों के कब्जे से बरामद कर लिया गया है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश, देखें हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी, बस लॉगिन करें www.vijaynews.in।